हेलो एवरीवन, चलिए एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुक आपकी जो स्टूडेंट के बीच में बहुत ही पॉपुलर बुक है, केडी कैंपस फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट, नीतू मैम की जो बुक है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें कि इसके प्रोस एंड कॉन्स की, तो इसमें ज़्यादातर आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे ज़्यादातर ये, और जो जर्नल कॉम्पिटिशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी लगातार आपके एग्जाम्स भी हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, इस बुक को लेकर के, इस पे पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले ग्रामर वाले एस्पेक्ट को हम लोग पूरा कवर करेंगे थारोली, फिर उसके बाद वोकैब वाले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, द टॉपिक विल बी टेंस, और जो कि टाइम एंड टेंस बेसिकली हम इसको कहें तो बेहतर होगा। तो इसमें जो सेंटेंसेस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कंपाइलेशन बहुत बेहतर है, और उसके साथ साथ हम उससे कॉन्सेप्ट डिड्यूस करके पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट डिड्यूस करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने इस सेशन को, वैल्यूएबल सेशन को। तो टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, टेंस। बुक बता दी कौन सी है, फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट, केडी कैंपस के नाम से जिसको आप जानते हो, है ना। तो चलिए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ गौर करेंगे, ये कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मैनी ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से हिम सर्टेंटी वेदर ही इज अलाइव और डेड, ये कहना चाह रहा है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर, मैंने 20 सालों से उसको नहीं देखा है, ये कहना चाह रहा है। मैंने 20 सालों से उसको नहीं देखा है, इसलिए मैं बिल्कुल श्योर होकर के नहीं कह सकता कि ही इज अलाइव आर डेड, वह जिंदा है या मृत है, ये बात मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकता, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए एक बंधु, एक पॉइंट पढ़ते हो आप कि सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज करते हैं हम किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड का यूज करते हैं और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये बात आपने बचपन से पढ़ रखी है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो जब आप पॉइंट बताएंगे कि एक्शन कब कहाँ से स्टार्ट है, किस पॉइंट से स्टार्ट है, तो वहाँ सिंस लगाना है, और कितने समय तक स्टार्ट है तो फिर फॉर लगाना है, ये मेन बात होती है, ये ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ पर कह रहा है सिंस 20 ईयर्स, अगर यहीं पर 1995 लिख देता तो ये पॉइंट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 20 ईयर्स लिख रहा है तो ये क्या बन गया, ये फॉर बन गया। तो यहाँ पर फॉर 20 ईयर्स होगा, सिंस 1995 होगा, ना कि सिंस 20 ईयर्स। तो सिंस की जगह आप क्या करेंगे, फॉर करेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, और आप कमेंट करके बस मुझे ये बताइएगा कि अगर कहीं पर चाइल्डहुड लिखा है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस सेशन के दौरान आपसे पूछने वाला हूँ, तो उन सब के लिए आप रेडी रहिएगा और कमेंट करके फटाफट आप बताते चलिएगा साथ ही साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर चाइल्डहुड के साथ आप क्या लगाने वाले, ये बेसिक क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसको कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल पहले वाले क्वेश्चन में पार्ट ए में प्रॉब्लम है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स, ये करेक्ट आपका सेंटेंस होने वाला है, होपफुली समझ आ गया होगा। बंधु बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन ही डिड नॉट फिनिश हिज बुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैड ही गॉन। अब देखो ये वहाँ पर कुक ही होगा, अब देखिए एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, When he did not find his cook in the kitchen, जब उसने अपना कुक नहीं पाया किचन में, तो क्या कह रहा है, He asked his wife, उसने अपनी वाइफ से पूछा, Where had he gone, वह कहाँ गया हुआ है, ठीक है। तो अब एक छोटी सी बात मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम बात करते हैं इसको लेकर के, है ना। तो देखिए एक छोटी सी बात समझिएगा, एक छोटी सी बात यहाँ पर समझिएगा क्या है कि वेयर के बाद ये क्या लिख रहा हैड ही गॉन, है ना, ये लिख रहा है। तो एक बात समझिए, देखिए जो WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो ये WH फैमिली वाले वर्ड या तो क्वेश्चन वर्ड के तरीके काम करते हैं या फिर कंजक्शन के तरीके काम करते हैं। कंजक्शन मतलब कनेक्टर होता है, आप जानते हो, है ना, कनेक्टर के तरीके काम करते हैं या क्वेश्चन वर्ड के तरीके काम करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बेसिकली जब आप समझोगे, तो इसके क्वेश्चन वर्ड जब ये होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और सेंटेंस के बाद में आप इंट्रोगेटिव मार्क का यूज करते हैं। कंजक्शन के तरीके जब यूज करते हो तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, बाद में फुल स्टॉप यूज करते हो। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट
कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पर देखोगे तो ये कह रहा है ही आस्ट, आस्ट क्या हो गया, सेड या सेड टू की जगह आपने लिखा हिज वाइफ, वेयर क्या हो गया, यहाँ पर कंजक्शन हो गया, क्योंकि आप नरेशन में पढ़ते हो सेड या सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्ट में चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद जो डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हो वो एज अ कंजक्शन होता है, एज अ कनेक्टर होता है। जब ये एज अ कनेक्टर होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख रहा है, फिर सब्जेक्ट लिख रहा है, जो कि इन अप्रोप्रिएट है। और यहाँ पर आपने कनेक्टर के रूप में क्या पढ़ा है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर ये बनेगा आपका हैड ही नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा ही हैड गॉन, ये करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, ही हैड गॉन। पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट होगा वो होगा आपका थर्ड, होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है, और इसके बियॉन्ड अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, नहीं क्वेश्चंस के माध्यम से इतने कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, फिर आप जितनी प्रैक्टिस मन चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कह रहे हैं, ऑल दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन थ्री ईयर्स, यदि मैं तीन से ज़्यादा सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, I have not been able to score a century, लेकिन मैंने एक भी सेंचुरी नहीं बना पाया अभी तक, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात बताओ, आई एम प्लेइंग ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया, कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया, अगर हम बात करें तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। अब ये क्या कह रहा है, फॉर मोर देन थ्री ईयर्स, फॉर के साथ देखिए एक सिंपल सी बात अगर हम बात करें तो अगर आप कहीं पर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सिंस या फॉर के साथ जब आप टाइम लगा देते हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम जब आप लिखते हैं तो इसके साथ जो टेंस यूज करते हैं दैट टेंस विल बी इन परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये टेंस किस में होना चाहिए आपका, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होना चाहिए। सिंस या फॉर के साथ जब आप टाइम लगाते हैं तो टेंस कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जरा एक बात बताओ, फॉर के साथ ये टाइम लिख रहा है लेकिन टेंस लिख रहा है कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके साथ कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज भूल करके भी मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। ये देखिएगा तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आई एम प्लेइंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, यद्यपि मैं तीन से ज़्यादा सालों से, मोर देन थ्री ईयर से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन थ्री ईयर्स। और पार्ट जिसमें जो इनकरेक्ट होगा विल बी फर्स्ट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, फोर वाले पे आइए जरा देखते हैं। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं नहीं जानता कि वह इतनी सुबह कहाँ चला गया, इतनी जल्द सुबह कहाँ चला गया, ये कहना चाह रहा है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, बड़े आसानी से आप कर लेंगे, कि ये जो वेयर है, जरा ये पता करिए कि ये डब्ल्यू एच वर्ड है, और अभी हमने बात की थी डब्ल्यू एच वर्ड दो तरीके से काम करता है, या तो क्वेश्चन वर्ड या तो कनेक्टर के तरीके काम करता है ना। जब ये कनेक्टर के तरीके काम करेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सही है, और जब ये क्वेश्चन वर्ड के तरीके काम करेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आई डू नॉट नो वेयर यहाँ क्या है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड होगा तो बाद में इंट्रोगेटिव मार्क लगा होगा, जो कि इंट्रोगेटिव मार्क आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे कि पहले सब्जेक्ट आएगा तो कुड ही की जगह क्या आप लिखेंगे, ही कुड, ये करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, ही कुड। तो पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो गया, दैट विल बी फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव, बाय द टाइम, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, पहले तो मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ आपको, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। पहले क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, नहीं सॉल्व कर सकते तो पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहीं पर बाय द टाइम लगाते हैं, अगर आप कहीं पर बाय द टाइम लगाते हैं तो बाय द टाइम के साथ बेसिकली देखिए बाय द टाइम के साथ बेसिकली पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, है ना, तो इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब भी आप क्वेश्चन में फंसेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक का छोटा सा टास्क देता हूँ आपको, छोटी सी हेल्प करता हूँ बेसिकली आपकी, कि आप ये ध्यान दीजिएगा, कई बार इस तरीके का जब लेंदी स्टेटमेंट होगा जिसमें दो दो क्लाजेज होंगी, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो आप कहीं पर अगर बाय द टाइम लिखा हुआ है, बाय द टाइम लिखा है, और इसके साथ इसने पास्ट इंडेफिनेट टेंस लगा रखा है, कौन सा टेंस लगा रखा है, पास्ट इंडेफिनेट, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट।
दूसरा स्ट्रक्चर ये ध्यान दीजिएगा, बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद इसने अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लिख रखा है, कौन सा टेंस लिख रखा है, प्रेजेंट का इनडेफिनेट है ना, तो दूसरे वाले में कौन सा बनने वाला है आपका, फ्यूचर परफेक्ट बनने वाला है, कौन सा बनने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट बनने वाला है। तो बाय द टाइम के साथ पास्ट इनडेफिनेट, बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट डेफिनेट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट। तो होपफुली दोनों के दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर क्या करोगे, बाय द टाइम लिखा है, बिल्कुल सही है, वी गॉट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, तो बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट। तो अगला वाला क्लॉज जो बनने वाला है वो किसमें परफेक्ट होता है, सो विल हैव ऑलरेडी बीगन। अब यहाँ गॉट लगा रहा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट वाले में आप क्या करते हैं, अगला वाला पास्ट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ विल हैव नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैड ऑलरेडी बीगन। और बिगन के तीनों फॉर्म ध्यान रखिएगा, बिगिन बिगन बिगन है ना, ये ध्यान दीजिएगा, तीनों फॉर्म क्या होती है, पहली फॉर्म होती है बिगिन, दूसरी फॉर्म कौन सी होती है बिगन, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बिगन, बी ई जी यू एन। तो ये ध्यान दीजिए, कई बार इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं बंधु नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, सिक्स, बाय द टाइम। अब ये देखो ये वाला सेंटेंस सेम टैली कर लीजिए आप, उसी जो मैंने दो पॉइंट लास्ट में लिखे बाय द टाइम वाले, उनसे आप टैली कर लीजिए, एज इट इज टैली कर लीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है बंधु, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, बाय द टाइम वी विल गेट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। आपने क्या पढ़ा, बस मैं टैली करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बाय द टाइम आपने लिखा है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो इसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरी वाली जो क्लॉज बनती है वो किस में बनती है, वो बनती है आपकी फ्यूचर परफेक्ट में, किस में बनती है, फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। तो बस आप रखिए टैली करिए आंसर क्लियर। तो यहाँ पर बाय द टाइम के साथ ये लिख रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल गेट फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखोगे तो डायरेक्ट आएगा वी गेट आर टिकट्स, ये बनेगा जा करके, और इसका मतलब पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, बाय द टाइम वी गेट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, है ना। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर सिक्स तक, सेवन की तरफ बढ़ते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, एक बात बताओ पास्ट इंडेफिनिट को आप किस में चेंज करते हैं, जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में आप जानते हो कि मेन वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, मेन वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो आप क्या पढ़ते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो कौन सा टेंस होता है पास्ट का इंडेफिनिट, विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाने वाला है। तो गौवरी टोल्ड मी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे कह रहा है हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नहीं ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट, तो ये बेसिक सा पॉइंट था, पार्ट नंबर थर्ड विल बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, आइए बंधु, और सेशन इफ यू लाइक दिस सेशन देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड एनमीज, है ना, अपने शत्रुओं तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी ठीक है आपको थैंकफुल, आपके लिए ऑब्लाइज्ड हो जाए। आइए आगे बात करते हैं, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सिंस के साथ टाइम लिखा हुआ है तो हैव बीन सेलिब्रेटिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा है तो सेंटेंस तो ना एरर होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, अभी बात किए थे कि अगर बंधु कहीं ड्यूरेशन की बात करेंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ सिंस लगेगा, है ना, कहीं पर अगर आप सॉरी ड्यूरेशन के साथ आप क्या लगाएंगे फॉर, कहीं पर पॉइंट की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है, यूजुअल सी बात है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फॉर सेंचुरीज होगा, फॉर सेंचुरीज होगा, पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड। होपफुली सेंचुरीज मतलब शताब्दी हो, है ना, तो इसमें ड्यूरेशन है, इसमें पॉइंट नहीं है, किस शताब्दी, अगर ये जस्टिफाई कर देता कि 19वीं शताब्दी है ना, तो सिंस 19th सेंचुरी आप ऐसे लिख देते, 20th सेंचुरी तो सिंस 20th सेंचुरी, लेकिन ये कह रहा है सेंचुरी शताब्दियों से। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप बताइएगा कि अगर कहीं पर एजेस लिखा है तो इसके साथ आप करेक्ट सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। आइए क्वेश्चन नंबर नाइन, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विथ हिम। एक बात बताइएगा, आपने टेंस में ये बात पढ़ी है, ठीक है, क्या कि हैड, हैज, हैव और हैड, ठीक है, ये बात जानते हो आप, हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए।
तो ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो बिगेन, बिगेन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बीगन होगा, BEGUN। तो बिगेन फर्स्ट फॉर्म होती है, अभी मैंने बताया आपको जस्ट कि बिगेन फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगेन सेकेंड फॉर्म होती है, और बीगन जो होती है दैट विल बी थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये क्या हो गया V1, ये क्या हो गया V2, ये क्या हो गया V3। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द पासर बाई, ध्यान से देखिएगा, द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। इसके बारे में जब आप बात करोगे तो एक बात समझ में आएगी। पासर बाई ने, पासर बाई का मतलब रागीर होता है, टोल्ड अस, हमें बताया, वेयर, वेयर क्या है यहाँ पर, देखो एक चीज़ समझिएगा, अभी फिर से वही सेम क्वेश्चन मिला, डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन वर्ड होगा या फिर कनेक्टर होगा, है ना, कनेक्टर होगा तो पहले हेल्पिंग सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर वॉज नहीं होगा, ठीक है, और वेयर वॉज द मैरिज हॉल, ये गलत हो गया, चूंकि यहाँ देखिए फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कनेक्टर है, वैसे भी टोल्ड लगा चुके हो आप आगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज, देखो करेक्ट सेंटेंस ये होगा, वेयर के बाद सब्जेक्ट लिखिएगा द मैरिज हॉल, वेयर द मैरिज हॉल के बाद क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। ये डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं दो काम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड और कनेक्टर, क्वेश्चन वर्ड होगा तो तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, और कनेक्टर होगा तो पहले क्या सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो। और ये देखिए मैं टाइम लाइन से अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, और आपसे भी बोलता हूँ कि टेंस वाले जितने क्वेश्चन है वो टाइम लाइन से सॉल्व करिए, बहुत बेहतर होने वाला है, इससे बेहतर कोई मूलमंत्र है ही नहीं टेंस वाले टॉपिक के लिए। तो देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये कोई टाइम लाइन है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या हो गया पास्ट हो गया, अच्छा यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा फ्यूचर हो जाएगा, सही है। अब क्या कह रहा है, 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले, है ना, कह रहा है आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो। इस समय जो ईयर चल रहा है वो कौन सा, 2022, और 2 साल पहले, इसका मतलब प्रेजेंट से बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है इसका मतलब पास जा रहा है, तो इसका मतलब पास्ट टेंस यूज करोगे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहा है, ये बात तो गलत हो गई, तो इसकी जगह डायरेक्ट पास्ट आएगा, आई पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो, है ना। मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा बंधु साथी, एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्या कि सर यहाँ पर हैड पास्ट कर दे तो क्यों ना सही हो जाए। तो उसके लिए एक छोटी सी बात बताऊँ मैं आपको, बहुत बहुत बेहतरीन बात, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ से बैकवर्ड गए फिर बैकवर्ड गए, अगर 2 बार बैकवर्ड जाना पड़े तब आप पास्ट परफेक्ट की तरफ जाइए, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट की तरफ मत जाइए, नहीं ये आपको क्या कर देगा, मिसलीड कर देगा, है ना। तो जो लोग यहाँ हैड कर लेंगे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, इसलिए मैंने हैव को ड्रॉप किया और पास्ट क्या बन गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, इसलिए आपका पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट। ये टाइमलाइन, जब भी क्वेश्चन टाइम एंड टेंस सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, ठीक है, टाइमलाइन से सॉल्व करना है, नहीं पुष्पेंद्र सर के द्वारा सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। अब देखो एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है, फिर उसके क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो आपको डायरेक्ट कंक्लूजन बताता हूँ, आप बोलते हो ना शॉर्ट ट्रिक, है ना, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हालांकि जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को आप समराइज करके लिख देते हो और बोलते हो ये क्या है, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ना। तो देखो मैं भी बताता हूँ भाई आपको, एक सिंपल सी बात, सिंस सामने लिखा, सिंस के बाद यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लिखे, क्या लिखा हमने, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपका प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का कौन सा बन गया परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, है ना। आपसे पूछा जाए कोई एक ऐसा टेंस बताइए, कोई ऐसा सेंटेंस बताइए, या कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताइए जिसमें प्रेजेंट और पास्ट एक साथ आते हैं, तो आप बेधड़क बोल दीजिए वाला, जिसमें सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट दूसरा वाला जो क्लॉज बनता है वो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में, या वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अब देखो एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, इकलौती कंडीशन है जिसमें प्रेजेंट और पास्ट एक साथ दिखाई देता है, अदरवाइज कहीं पर भी प्रेजेंट पास्ट एक साथ नहीं आता है, ये बात ध्यान कर लीजिए। अब देखो एक बात समझिए, सिंस के साथ इसने ज्वाइंट लिखा है, ज्वाइंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या पास्ट इंडेफिनेट बन गया, जी हाँ बन गया, चूंकि सेकंड फॉर्म लगने से पास्ट इंडेफिनेट बनता है। अच्छा इसके बाद कह रहा है ये भी यहाँ पर भी उसने डिड नॉट लगा दिया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो पास्ट वाले में, सिंस वाले केस में पास्ट नहीं लगता है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हैज़ नॉट टेकन,
टेक की जगह क्या आ जाएगा, टेकन। फिर से सुन लीजिएगा, देखो अब मैं इस बात का पोस्टमार्टम ही करके थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ। कभी भी आप सिंस के साथ, एक्चुअल में ये टाइम होता है, और अच्छे तरीके से बताता हूँ आपको। देखो ये टाइम लाइन बनाई आपने, ये टाइम लाइन बनाई, यहाँ पर क्या है बंधु, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्ट है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्यूचर है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझिए, कोई एक्शन पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में प्रेजेंट तक आ गया, वही एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में उस तक आ गया हो, उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट तक पड़ रहा हो, यहाँ पर इस सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस वाली कंडीशन का यूज करते हैं, है ना। तो बेसिकली पास्ट से स्टार्ट हुआ तो टाइम तो पास्ट का है, लेकिन एक्शन कहाँ तक आ गया, प्रेजेंट। इसीलिए टाइम पास्ट का, एक्शन कहाँ तक, प्रेजेंट परफेक्ट तक, तो इसलिए एक्शन है। अच्छा, इसमें सिंस वाली कंडीशन को उठा करके पहले ले जा रहा है, ध्यान से देखो जरा, सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट वो उठा करके पहले ले गया है, और पहले वाला स्टेटमेंट बाद में, तो ये आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। सेम क्वेश्चन जो भी मैंने बताया आपको, टाइमलाइन खींची आप, आपने टाइमलाइन खींची, ये क्या है प्रेजेंट, यहाँ क्या है पास्ट, यहाँ क्या है फ्यूचर, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिए, ये क्या कह रहा है, इन 1990 में, इस समय यह 2022, कब की बात कर रहा है, 1990 की बात कर रहा है, कहाँ से, प्रेजेंट से बैकवर्ड गए, बैकवर्ड गए पास्ट, एक बार गए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट तो ये है हटा दीजिए, बाकी सब करेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा गलत, बी, ठीक है। 1990 में उसने एग्जामिनेशन पास किया तो ये बनेगा सेंटर। 14, ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाय द टाइम, याद आ रही कुछ बात, बाय द टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट, बाय द टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, बंधु पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, ये दो टेंस आप यूज कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है, ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, है ना, वैकेशन के अंत तक वो क्या कर चुका होगा, उसने शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 प्लेज को पढ़ चुका होगा, है ना, ये कहना चाह रहा है। बाय द टाइम लिखा, बिल्कुल, यहाँ पर क्या कह रहा है, हैज रीड गलत हो गया, विल हैव रीड, विल हैव रीड फ्यूचर परफेक्ट बना लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। पार्ट कौन सा इनकरेक्ट, फर्स्ट, लो आइए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, एक बात बताइए, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एग्जामिनर क्या करता है पता है, एग्जामिनर केवल आपको इंट्रैप कराता है, एक ही कॉन्सेप्ट को तरह तरह क्वेश्चन दे करके पूछता है आपसे। देखिए WH वर्ड के बारे में जानते हैं, जी हाँ जानते हैं, ये कैसे काम करता है, क्वेश्चन वर्ड के तरीके, जी हाँ ये कनेक्टर के तरीके काम करता है, जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ड फिर सब्जेक्ट बाद में इंट्रोगेटिव मार्क, जब कनेक्टर होगा तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ड। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको ना पता हो तो आपको याद हो जाए, है ना। देखो वैन क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ड, वैन दे स्टोल नहीं होगा, वैन डिड दे स्टील, वैन डिड दे स्टील ये बनेगा जा करके, तो वैन डिड दे स्टील ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है, और वैसे भी अगर ना पता चल रहा हो तो बाद में देखिए इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, अब तो सेवर्टी हो गई, इसका मतलब पार्ट नंबर ए गलत है। आइए 16, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने, अध्यापक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, टेक की फॉर्म लिखिए, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टुक टेकन, ये क्या हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो गई सेकेंड फॉर्म, ये क्या हो गई थर्ड फॉर्म, है ना। तो द टीचर हैज टुक नहीं आएगा, यहाँ टेकन आएगा, द टीचर हैज टेकन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टीचर हैज टेकन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया, सेकेंड इनकरेक्ट हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द टाइम इमेमोरियल, एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इमेमोरियल टाइम, इमेमोरियल, ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ फॉर गलत होता है, ये पॉइंट बताता है, तो इसके लिए सिंस लगाइए, या समटाइम्स हम लोग फ्रॉम का भी यूज कर लेते हैं, है ना, लेकिन फॉर टोटली गलत है, तो यहाँ पर फॉर लगा रहा है इसलिए गलत है, पार्ट नंबर कौन सा, ए। इमेमोरियल याद नहीं है कब से, है ना, कहते हैं ना भाई कि बाबा आजम जमाने से, है ना, ठीक, तो वो क्या है, अकबर के समय से है, औरंगजेब के समय से, ये क्या है इमेमोरियल टाइम, इतना पुराना टाइम है कि आपको याद नहीं है, है? तो पार्ट नंबर ए में इनकरेक्ट होगा। आइए द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है।
ये क्या करता है, आपसे पूछता है ओवरफ्लो की फॉर्म। पहले तो देखो, द रिवर इज इन स्पेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड इट हैज, हैज हैव हैड के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल सही, आई एग्री विथ यू। लेकिन एक बात समझिएगा, ओवरफ्लो की जब आप फॉर्म लिखेंगे तो ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ओवरफ्लू सेकंड फॉर्म हो गई, और ओवरफ्लोन नहीं होता है, ओवरफ्लोड होता है। ठीक है, एडी से बनेगा, है ना, ये थर्ड फॉर्म होगी, ना कि ओवरफ्लोन वाली होगी। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया, सेकंड। इट एंड इट हैज ओवरफ्लोड, FLOWED। क्वेश्चन नंबर 19, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब ये देखिए, जो अ लॉन्ग टाइम होता है ये क्या है, ड्यूरेशन है या पॉइंट है, सोचिए जरा। लंबे समय से इसमें कोई पॉइंट है नहीं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के साथ क्या लगाते हो, फॉर, है ना। तो यहाँ पर क्या करें, सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉर, फॉर अ लॉन्ग टाइम। पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया, पार्ट नंबर इनकरेक्ट हो गया थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 20, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों से ये जो टीवी सीरियल है ये 3 सालों से चल रहा है ना, जैसे कसौटी जिंदगी की, सालों हो गए चलते चलते, है ना। कुमकुम प्यारा सा बंधन सुने होंगे, किसी देश में निकला होगा चांद, है ना। चलो, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन, है ना, कह रहा है फॉर 3 ईयर्स। अब ये देखो, एक बात बताओ, अभी ये बात पढ़ करके आए, मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट ही इतना उम्दा है कि एग्जामिनर अपने आप को रोक ही नहीं पाता यहाँ से क्वेश्चन देने से। क्या कह रहा है, सिंस टाइम, सिंस के साथ फॉर, या सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, इसके साथ टेंस कौन सा लगाते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हो क्या, क्वेश्चन इज दैट, क्या कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हो, नहीं, तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगेगा। तो ये क्या होगा, इज गोइंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज बीन गोइंग ऑन, हैज बीन गोइंग ऑन। पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, पार्ट नंबर सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बड़ा लेंदी सा सेंटेंस लिखा है, और इसको देख करके बहुत से लोग तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 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 बंधु 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 कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हिंट देगा, और वो कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं जो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिए होते हैं। देखो, कह रहा है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसेंस, रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स, ठीक है, और रेनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण के शुरुआती जो साल थे, भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ। अब इन द अर्ली ईयर्स का मतलब क्या हो गया, शुरुआती सालों में, ये प्रेजेंट है या पास्ट है, बताओ जरा। इन द अर्ली ईयर्स, देखो ये आपकी टैगलाइन, यहाँ प्रेजेंट हो गया, यहाँ क्या हो गया, पास्ट हो गया, है ना, यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। और इन द अर्ली ईयर्स जब लिखते हो तो इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा था या प्रेजेंट लगा रहा है, प्रेजेंट लगा रहा था, इसको पास्ट में चेंज करो, पास्ट में चेंज करोगे तो हेड आ जाएगा। होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो शुरुआती पुनर्जागरण के जो शुरुआती समय था, है ना, उसमें डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ एकॉम्पनिस्ट, डांसर्स के अपने स्वयं के एकॉम्पनिस्ट होते थे, इक्विपमेंट्स होते थे, ये कहना चाह रहा है। एकॉम्पनिस्ट मतलब होता है इक्विपमेंट्स, है ना, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, कह रहा है दिस इज अ टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। ये जो ये क्या हो चुका है ये बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, किसी का कंप्लीशन होता है, ये रिजल्ट होता है किसी चीज़ का, तो वो टेंस कौन सा यूज करते हो, परफेक्ट, है ना। तो दिस इज टर्न आउट टू बी नहीं होगा, दिस हैज टर्न आउट टू बी, ऐसा हो चुका है, दिस हैज टर्न आउट टू बी। पार्ट नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो चुका है और इससे हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, ये कहना चाह रहा है। 22 के बाद 23, ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो ये गलत हो गया बंधु। ही इज गिवन मी, एक्टिव वॉइस बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा तो आप क्या करोगे पता है, इज गिवन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा हैज गिवन, ही हैज गिवन मी, उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए हैं, तो ही इज गिवन मी की जगह वो क्या हो जाएगा, ही हैज गिवन मी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एक्टिव पैसिव में अंतर है, ध्यान देना, अगर यहीं पर लिखा होता अ लेटर इज गिवन, है ना, तो सही हो जाता, एक पत्र उसके द्वारा दिया गया, सही है, लेकिन कह रहा है ही इज गिवन, उसको दिया गया, ये बात तो गलत हो गई। ही हैज गिवन मी, उसने मुझे दिए हैं, क्या दिए हैं, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम। अब जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपने सिस्टमेटिकली पढ़ा है टेंस को तो बड़ा आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो,
सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव, जो तो ट्रिप थी होम की वो बहुत एक्सपेंसिव थी, आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मैं छुट्टियों के दौरान घर नहीं गया, ये कहना चाह रहा है। अब इसमें क्या करोगे बंधु, एक बात बताओ, डू डज डिड, डू डज डिड के साथ आप क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। तो एक बात बताओ, डिड के साथ इसने क्या लगाया, वेंट, जो कि गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, डिड के साथ क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, तो डिड नॉट वेंट नहीं होगा, डिड नॉट गो। आइए अगले वाले में चलते हैं, तो पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर हो जाएगा आपका थर्ड, है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पार्ट नंबर थर्ड। आइए 25, एज ही सी इज लेट, एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, सी डिसाइडेड टू स्किप द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वह लेट थी, किसके लिए लेट थी, काम के, स्कूल के लिए, किसके लिए कह रहा है, कह रहा है फॉर वर्क, कार्य के लिए, अपने काम के लिए लेट थी, सी डिसाइडेड टू स्किप द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट स्किप करने का निश्चय किया, ठीक है, एंड लीव फॉर ऑफिस, और ऑफिस के लिए निकल गई, ये कहना चाह रहा है। आपको एक छोटी सी बात बताई थी, टाइम डिसाइड्स टेंस, ये ऐसी जड़ी बूटी है, ठीक है, जो आपके पूरे के पूरे टेंस को बिल्कुल एक्सटॉर्ट करके रख देने वाली है, ठीक है। तो देखो एक बात समझना यहाँ पर बंधु, एक बात समझना, कह रहा है एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, यस्टरडे क्या हो गया, टाइम, किसका टाइम, पास्ट का, तो टेंस भी किसका होगा, पास्ट का, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज, पार्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट, अरे सिंपल सी बात है, यस्टरडे के साथ पास्ट टेंस ही तो लगाते हो, प्रेजेंट थोड़ा लगता है, यस्टरडे के साथ क्या लगता है, पास्ट टेंस। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस एंड द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, आप जानते हो एक बार अगर पास्ट हो गया तो पूरे में पास्ट ही चलेगा, है। फिलहाल एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि इस चैप्टर में जितने आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जनरल कॉम्पिटिशन में इससे बाहर कॉन्सेप्ट पूछे ही नहीं जाते, तो आप केवल एक बार शिद्दत के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को थारोली कवर कर लीजिए। क्या कह रहा है, एज सुन एज, जैसे ही द सीईओ इंटर्ड, जैसे सीईओ इंटर हुए, इंटर्ड मतलब पास्ट, है ना, ये पास्ट हो गया, सही है। आगे देखिए, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड मतलब पास्ट, सही है, हिम एंड रिपोर्ट मतलब प्रेजेंट, तो ये तो गलत हो गया, इसको ही पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपोर्टेड, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रिपोर्टेड, और पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। 26 के बाद 27 की तरफ चलते हैं, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, ये तो देखते ही आप सॉल्व कर दोगे, सिंस के साथ टाइम लगा हुआ है, जब सिंस के साथ टाइम है तो यहाँ पर इज रनिंग नहीं आएगा, हैज बीन रनिंग, आप जानते हैं ना, ये पीछे पॉइंट पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं केवल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्या कि आपने कहा था सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम दिया गया होगा तो जो टेंस यूज करते हो दैट विल बी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, है ना, न कि कॉन्टीन्यूअस, तो यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया आपका, सेकेंड। आइए 28, डिड ही टेल यू वाई ही हैजेंट कम यस्टरडे, क्या उसने तुम्हें बताया कि वह कल क्यों नहीं आया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, सही है बंधु, पहला पार्ट नंबर ए करेक्ट है, वाई ही हैजेंट कम यस्टरडे, टाइम डिसाइड्स टेंस, आप जानते हो यहाँ पर यस्टरडे क्या हो गया, टाइम, किसका टाइम, पास्ट का, तो टेंस भी किसका होना चाहिए, पास्ट का, यहाँ पर हैजेंट नहीं होगा, क्या होगा, हैडेंट होगा, हैडेंट कम यस्टरडे, तो यहाँ पर पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी सेकेंड, ठीक है। आइए 29 के बाद बात करते हैं 30, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज आ सिक ऑन दी 116th फ्लोर आ बुर्ज खलीफा, है ना, अब देखो जरा बुर्ज खलीफा से कोई याद आ रहा होगा आपको, लास्ट नाइट क्या हो गया, ये टाइम हो गया, किसका टाइम हो गया बंधु, पास्ट का टाइम हो गया, और पास्ट के टाइम के साथ टेंस भी पास्ट होना चाहिए, ड्रीम फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो गया, या तो यार ड्रीम्ड लिखिए, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद है क्वेश्चन नंबर 30, सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983, वह और उसकी बहन 1983 से यहाँ काम कर रहे हैं, अब एक बात बताओ, ये हो गया सिंस प्लस टाइम, अच्छा मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट हो चुका है तो आप आसानी से कर दोगे, हाँ पिछले वाले पे कह सकते हो। आइए देखो, वर वर्किंग ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा
हैड बीन वर्किंग, पास्ट है तो पास्ट वाले में आप चेंज करो, बेहतर होगा। हैड बीन वर्किंग है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको कि आपने ये बात पढ़ी थी, सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम होगा, सिंस या फॉर के साथ टाइम होगा तो जो टेंस आप यूज करोगे दैट विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो टेंस कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 31। नोबडी सा हिम सिंस द फायर ब्रोक, ये याद आ रहा है अभी जो डिस्कस करके आए पीछे, उसी से रिलेटेड है क्या? यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, यहाँ पर आपने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, याद आ रही कुछ बात? यहाँ पर आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्या है, कह रहे नो बडी सा हिम सिंस द फायर ब्रोक, ब्रोक ब्रोक सेकेंड फॉर्म पास्ट इंड, सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर ये गलत है सा हिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो बडी हैज सीन हिम, किसी ने उसको नहीं देखा है, सिंस द फायर ब्रोक, जब से क्या हुआ, गोला बारूद फूटे है ना। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी पार्ट फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 32। अरे वाह, ये तो देखते ही क्वेश्चन पहचान गया। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, ठीक है, इस समय अगले साल इस समय तक रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा, ये कहना चाह रहा है। और बंधु बंधु दिल गार्डन गार्डन हो गया, जैसे आपने आपको दिखाई दिया बाय द टाइम, और बाय द टाइम के साथ आप क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। अच्छा ऑलरेडी वो फ्यूचर वाला टर्म दे चुका है ना, तो यहाँ पर विल टेक नहीं होगा, विल हैव टेकन हो जाएगा, विल हैव टेकन हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर टेक नहीं आएगा, विल हैव टेकन पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको नहीं होने वाली है। आइए 32 के बाद 33। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी फॉर प्लस टाइम दे रहे हैं, फॉर प्लस टाइम तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गलत हो गया, हैव बिन लिख सकते हो, हैड बिन लिख सकते हो, हैव बिन लिविंग या हैड बिन लिविंग, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्ट विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अब ये तो टाइम डिस्टेंस बस छोटी सी बात है, आपने ये टाइम लाइन खींची, यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है पास्ट है, और यहाँ पर क्या है फ्यूचर है, सही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे का मतलब क्या हो गया बताइए, इस सैटरडे तो ये प्रेजेंट हो गया, लास्ट सैटरडे मतलब पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो यहाँ हैज ड्रॉप कर दीजिए, प्रेजेंट से बैकवर्ड जा रहे हो ना आप। आइए 35। गुड हीवेंस हाउ हैज सी ग्रोन, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो हाउ हैज सी ग्रोन नहीं होगा, हाउ सी हैज ग्रोन, हाउ सी हैज ग्रोन, ये करेक्ट आंसर बनने वाला है आपका। पार्ट नंबर कौन सा होगा? पार्ट नंबर सेकेंड हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। 36। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, एक और पॉइंट बेहतर सा आता है आपका कि कई बार सिंस ऑब्लिक फॉर के साथ टाइम दिया गया होता है, सिंस ऑब्लिक फॉर के साथ टाइम दिया गया होता है तो इसके साथ आप क्या करते हो, इसके साथ आप वैसे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं, लेकिन कभी कभार किसी चीज़ का अगर रिजल्ट हो तो फिर परफेक्ट टेंस भी लगा देते हैं। परफेक्ट कब लगाते हो, जब कोई रिजल्ट दिया गया हो। तो कह रहा है आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये गलत हो गया, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आइए पहला क्लियर, 36 क्लियर। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। और ये देखिए ये बढ़िया अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में स्टेटिव वर्ब्स का, स्टेटिव वर्ब्स का। स्टेटिव वर्ब क्या होती है आप जानते हो, जो स्टेट बताती हैं, ऐसी वर्ब जो स्टेट बताती है, ऐसी वर्ब जो के बारे में आप जानते हो। स्टेटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो स्टेट बताते हैं, जो हमें एक्शन नहीं बताते उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। दोज वर्ब विच सो स्टेट आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स, उनको स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, है ना। अब देखो एक बात समझिएगा यहाँ पे कि जो ये तीन वर्ब हैं, ध्यान देना, हैव है, पॉसेस है, ओन है, हैव पॉसेस और ओन, ये तीन वर्ब कौन सी हैं, ये तीन वर्ब कौन सी हैं, ये तीनों वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब्स है, और इनका स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, बस इतनी बात ध्यान दीजिए,
स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, तो इनको हमेशा इंडेफिनेट में लिखा करिए आप, ठीक है। इनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता तो इज हैविंग गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर, ये करेक्ट आंसर होने वाला है। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, पार्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 37 के बाद 38 की तरफ चलते हैं बंधु। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। आप कहते हैं अगर एक बार पास्ट हो गया तो पूरे में पास्ट आएगा, है ना। तो व्हेन आई वेंट, वेंट का मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। अगर ये पास्ट है तो आगे ये पास्ट आएगा, तो इज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा वॉच। चार्ल्स वॉच प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, चार्ल्स वॉच प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। जब मैं वहाँ पहुँचा तो चार्ल्स क्या कर रहा था, चेस खेल रहा था, ये कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर करेक्ट हो गई ये बात। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहा है कि वैक्सीन, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। जब जो वैक्सीन थी जब उसने मार्केट को हिट किया, यहाँ पर जो हिट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लिखा है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं बंधु, कि अगर एक बार पास्ट हो गया तो पूरे पास्ट, तो इज डॉग्ड गलत हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज डॉग्ड हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर पार्ट नंबर थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 40। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, ट्राइड मतलब पास्ट, विक्टिम ने बताने की कोशिश की, वॉट हैज हैपेंड नहीं होगा, वॉट हैड हैपेंड होगा, अगर एक बार पास्ट है तो पूरे पास्ट। ये इतना उम्दा कॉन्सेप्ट है कि जगह जगह आपको लगातार परेशान करने वाला है, अगर आप इसको सीख नहीं लेते तो। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पैंस टेकिंग। अब एक पता है आंसर क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, जरा ध्यान से सुनना। देयर के अनुसार कभी भी वर्ब नहीं आती है, देयर वॉज या वर अ किंग, देयर वॉज अ वर अ किंग, है ना। तो आप क्या कहेंगे, देयर वॉज अ किंग, क्योंकि रियल सब्जेक्ट ये लिखा है, ये जो आ किंग है ये रियल सब्जेक्ट है, इसके अनुसार आप वर्ब लगाएंगे तो वॉज आएगा, सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बंधु। तो क्या कह रहा है, आर यहाँ पर देखो डायरेक्ट जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बता रहा हूँ, देयर हैव बीन आ पैंस टेकिंग। अच्छा आपको ये भी नहीं पता पैंस टेकिंग क्या है, कोई दिक्कत नहीं बंधु, ये बताइए आ लगा इसके साथ, आ लगा है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हैच, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकेंड। आइए 41 के बाद बात करते हैं 42। लास्ट ईयर जैसे दिखा दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हो गया, पास्ट हो गया, और पास्ट के साथ फिर पूरा पास्ट, द टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर स्कैप्स, ये प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, स्कैप्ड, यहाँ पर बन जाएगा स्कैप्ड, कौन सा, पार्ट नंबर सेकेंड। आइए 43। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग। अभी बताया था हैव कैसी वर्ब है, हैव स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, तो स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, तो माधुरी दीक्षित इज हैविंग नहीं होगा, माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग, है ना। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, ये मत सोचना कि भलाई के लिए, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, है ना। अब एक बात समझना, नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, किसी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है जब से उसने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो देखो एक बात समझो, ये कंडीशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनेट दिया गया है, सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनेट, तो यहाँ पर जो टेंस बनने वाला है दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा बनने वाला है, प्रेजेंट का परफेक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ही लेफ्ट, है ना, लेफ्ट पास्ट इंडेफिनेट है, तो नो वन हैज हियर्ड हो जाएगा, यहाँ पर नो वन हैज हियर्ड, किसी ने कुछ भी नहीं सुना उसके बारे में जब से उसने हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दिया। आइए नेक्स्ट 45। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। बिफोर की कहानी बताते हैं भाई, देखो बिफोर की अपनी जिंदगी की कहानी है, बिफोर के साथ अगर आप पास्ट इंडेफिनेट लगाते हैं, भाई साहब ये जिंदगी के दुख दर्द से पीड़ित है, देखो ये अपने साथ पास्ट लेकर के चल रहा है अपना, है ना। इसके बाद यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, इसकी पूरी लाइफ पास्ट ही में बीत रही, किसकी, बिफोर की, तो बिफोर की जो लाइफ है ये बड़ी ही दुखद है। देखो क्या कहना चाह रहा है,
कि बिफोर के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हो तो दूसरे वाले में क्या बनने वाला है, पास्ट परफेक्ट है। बिफोर के साथ द टीचर कुड, कुड मतलब पास्ट हो गया। दूसरी वाली जो क्लॉज है द स्टूडेंट गिव, नहीं यहाँ पर होगा हैड गिवेन, हैड गिवेन। और वैसे भी जब पास्ट में दो एक्शन हो, ध्यान देना, एक एक्शन पास्ट का ये है, एक एक्शन ये है, जो पहले कंप्लीट हो जाए उसको परफेक्ट में लिखा करो, जो बाद में कंप्लीट हो उसको इंडेफिनेट में। अगर ये समझ सकते हो तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। आइए 45 के बाद 46 क्या कह रहा है। सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट, आपको एक मूल मंत्र, टेंस का मूल मंत्र मैंने दे दिया आपको, क्या दे दिया, टाइम डिसाइड्स टेंस। ये टेंस का, पूरे टेंस का मूल मंत्र है, नोट कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, एट, एट क्या है, टाइम, किसका टाइम है, ये टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो टेंस भी किसका होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए था, है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर भी डिड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैज नॉट, प्रिपेयर नहीं आएगा, प्रिपेयर्ड आ जाएगा, प्रिपेयर्ड आ जाएगा, ये बनेगा जाकर के जस्ट से प्रिपेयर्ड बन जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट। एक बात ध्यान देना, टेल एट का मतलब होता है टिल नाउ, एट का मीनिंग, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एट का मतलब होता है टिल नाउ, अब तक, और ये किसका कीवर्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है, चाहे टिल नाउ लगाओ चाहे एट लगाओ, दोनों के साथ जो टेंस हम यूज करते हैं दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओनिंग अ फॉर्म हाउस बिसार्ड्स टू बंगलाज, है ना, शायद तुम्हें पता नहीं है, क्या कहना चाह रहा है, देखो ऐसे लोग दौड़ जमाते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, कि मैं एक फार्म हाउस का मालिक हूँ, साथ ही साथ दो बंगला भी है मेरे पास, है ना। अमीर आदमियों की बातचीत इस तरीके से होती है, समझो बात को। तो परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओनिंग, गलत हो गया, अभी पढ़ा था हैव पॉसेस ओन, हैव पॉसेस और ओन, ये कैसी वर्ब है, ये हमारी स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा। आई ओन अ फॉर्म हाउस बिसाइड्स टू बंगलाज, दो बंगला के साथ साथ मैं एक फॉर्म हाउस का भी मालिक हूँ। आइए स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता, बस इतनी बात समझ लीजिए। 48 क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहना है। व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रसीडेड हिम, तो ये ऑलरेडी देखो फाउंड के साथ जब आगे पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखोगे पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड प्रोसीडेड, हैड प्रोसीडेड। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हो, पास्ट परफेक्ट में। 48 के बाद 49 सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्ड, ठीक है, सी विल ऑलरेडी। अब एक बात बताओ, ऑलरेडी के बारे में जानते हो क्या, ऑलरेडी जो है ये क्या बताता है, कोई एक्शन पहले ही हो चुका है, और जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है उसके लिए टेंस कौन सा लगाते हो, सर परफेक्ट, है ना। और परफेक्ट किसका, किसी का भी हो सकता है, वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, है ना। तो ऑलरेडी अगर कहीं लगाते हो तो वहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई किसी का भी परफेक्ट हो सकता है। फिलहाल यहाँ फ्यूचर का लिख रहा है तो आप फ्यूचर का परफेक्ट बनाइए, तो विल हैव ऑलरेडी, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। होपफुली बात क्लियर। 49 के बाद 50 ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सारो, एक बात छोटी सी समझिएगा, ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सारो, ये क्या कह रहा है, हैज हैव, एक बात समझिए, हैज के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो हैज के साथ अगर आप हैव लिख रहे हैं तो हैव भी तो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हैज के साथ क्या लिखेंगे बंधु, हैड लिखेंगे, हैड, क्योंकि देखिए हैव के तीनों फॉर्म क्या होती है, हैव, हैड, हैड, हैव, हैड और हैड। हैव कौन सी, फर्स्ट, हैड कौन सी, सेकंड, हैड कौन सी, थर्ड। तो यहाँ पर हैव हैज हैव लिख रहा है, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए हैज हैज हैड। पार्ट नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, मैंने कहा था सिंस टाइम इमेमोरियल होता, सही फ्रेज अगर बात करेंगे तो क्या बनेगा, सिंस टाइम इमेमोरियल होगा, देखिएगा ये करेक्ट आपका फ्रेज होता है, सिंस टाइम इमेमोरियल, ये जो आप वर्ड लिख रहे हो ना, क्या टाइम्स, टाइम्स नहीं होता, टाइम होता है, तो ये ध्यान दीजिए। हालांकि कई बार फ्रॉम भी हम यूज कर लेते हैं इसके साथ, है ना। पार्ट नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52 सिंस हिज अराइवल इन इंडिया इज विजिटिंग एज मैनी प्लेसेस एज ही कैन, है ना, जब से उसका इंडिया में आगमन हुआ है, और ये वाली सिंस वाली कंडीशन जिसमें प्रेजेंट और पास्ट एक साथ आते हैं, तो यहाँ पर इज विजिटिंग नहीं होगा, हैज बिन विजिटिंग,
बहुत सारे प्लेसेस घूम रहा है ना, तो हैज बीन विस्टिंग लगा दीजिए उसके पहले, तो ये करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस कर चुके हैं इसलिए कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बता रहा हूँ। बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड, विश्वास करो कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ठीक है, उन सभी में मैं विश्वास करता हूँ, है ना। बिलीव, देखो एक फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कुछ वर्ड आते हैं, जैसे जैसे आपका बिलीव है, कंसीडर है, बिलीव है, कंसीडर है, थिंक है, कंसीडर है, थिंक है, ये कैसी वर्ब होती हैं? ये भी स्टेटिव वर्ब होती हैं। कैसी वर्ब होती हैं? स्टेटिव वर्ब होती हैं। और स्टेटिव वर्ब का अगेन वही बात है कि कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है। तो आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई बिलीव होगा, यहाँ पर आई बिलीव होगा, आई बिलीव होगा। बिलीव मी आई एम बिलीविंग नहीं होगा, बिलीव मी आई बिलीव वॉट एवर यू हैव सेड, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 54। इट इज़ टाइम वी शुड, देखो ये नया टाइप का कॉन्सेप्ट मिला, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कहीं पर आप इट इज़ टाइम, इट्स टाइम इस तरीके के फ्रेज लिखते हो, इट इज़ अबाउट टाइम ऐसे फ्रेज लिखते हो, तो इसके साथ आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करना चाहिए। कौन सा टेंस यूज करना चाहिए? पास्ट का इंडेफिनेट, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन, गलत हो जाएगा, शुड हैव डन पूरे की जगह आप क्या लिखोगे, डिड, वी डिड समथिंग यूजफुल, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, यही समय है ठीक है कि हम क्या करें, कुछ उपयोगी करें। तो यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। ध्यान दीजिएगा, इट्स टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इन सभी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। मदर सैड, सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या कह रहा है, कह रहा है माँ ने पूछा क्या पुत्र तुमने अपना समय क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। ये लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहा है, इसका मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो हैव पहले आएगा, यू बाद में आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव वैसे भी जानते हो, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56। आई एम ओनली गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, मैं कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ जैसे ही प्राइसेस कम होते हैं, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात बताओ, व्हेन द प्राइसेस, प्राइसेस प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, ये चीज़। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब के साथ एस या एस का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर कम आएगा ना कि कम आएगा। होपफुली ये लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, काश जब मैं यंग था उस समय मैंने स्विमिंग सीखी होती। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, वैसे ही इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट है आपका इमेजिनेशन वाला। और इमेजिनेशन के दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक जो जिनमें प्रेजेंट का इमेजिनेशन होता है और एक जिनमें पास्ट का इमेजिनेशन होता है। प्रेजेंट वाले इमेजिनेशन में आप वर्ब का यूज करिए और पास्ट वाले इमेजिनेशन में आप हैड बीन का यूज करें, हैड बीन या फिर हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये चीज़ है। और ये किसका इमेजिनेशन है, ये पास्ट का, कह रहा है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, इसका मतलब ये जो पर्सन जो बात ये कह रहा है वो पास्ट की बात कर रहा है, जब जिस समय वो यंग था उस समय की बात कर रहा है। तो आई विश आई हैव लर्न, यहाँ गलत हो जाएगा, आई हैड लर्न होना चाहिए, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। तो होपफुली इस सेशन को आपने किया होगा इन्जॉय, होपफुली ये आखिरी क्वेश्चन था, जी हाँ आखिरी क्वेश्चन था। अब आपको एक काम करना है, इंग्लिश विद पुष्पन सर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर क्लास के तुरंत बाद आपकी इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। सेकंड थिंग इज दैट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको आगे वाली क्लासेस अपने फास्ट पेस में मिल सकें, ठीक है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दिन में दो दो वीडियोज आपको इस बुक के प्रोवाइड करूँ, तो बहुत जल्दी बुक आपकी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो फिर इसमें हम लोग डिस्कशन करें फुल फ्लेज में, ठीक है। चलो तो फिलहाल बंधु हम इस सेशन से लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।